हवा चल रही है, वरना अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, कुछ कह नहीं सकते। तो आज का है ये मेस का ब्रेकफास्ट, जिसमें है छोला पूरी कचौरी कुछ आई डोंट नो, और ये है एक स्कॉलर निर्मल नाम है इसको। ये मेरा देख सकते हैं आपका मेरा डेस्क है, यहाँ पे मैं काम करती हूँ। हाय फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, नए दिन के साथ नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं फाइनली हॉस्टल शिफ्ट हो गई हूँ, ये है मेरा हॉस्टल, हॉस्टल का कमरा आप देख सकते हैं, दीवारें कितनी गंदी है, ये बहुत गंदा था ना एक्चुअली, तो उसके बाद मैंने सफाई वाले को साफ़ कराया और सब इसका जॉब कार्ड वगैरह डाला, तो बोला ये ठीक कर दो, वो ठीक करेंगे। मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाती हूँ, ये डबल बेड है, मतलब ये अपार्टमेंट है एक हॉस्टल का, तो यहाँ पर हम दो लड़कियाँ रहती हैं, ये यहाँ पर मैं रहती हूँ, ये आप देख सकते हैं, और ये है किचन जो कि अभी साफ़ करना है हमने। सो ये बहुत गंदा पड़ा है, अभी हमने कुछ कुछ चीज़ें लाई हैं, और ये काउंटर वगैरह सब साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है अच्छे से, एंड उसके बाद हमने जाना है आपको दिखाऊंगी। तो ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, तो ये है रूम यहाँ का, तो यहाँ पे रिचा रहती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, अच्छे से रहती है, वो अभी कपड़े फैलाए हुए उसने। तो उसके बाद यहाँ से बालकनी है, छोटा सा रूम, मेरा भी वही कबर्ड है, एक साइड उसका एक साइड मेरा, तो ये बालकनी है जो कि काफ़ी गंदी पड़ी थी और मैंने साफ़ कराई, देख सकते हैं। और लखनऊ का मौसम आज कुछ अच्छा है, हवा चल रही है, वरना अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, कुछ कह नहीं सकते। वो जो यूनिवर्सिटी है वो AKTU यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, AAPJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। सो ये है हॉस्टल का कमरा मेरा, एंड उसके बाद मैंने जाना है मेस पे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नाश्ता ब्रेकफास्ट कैसे होता है, लंच वगैरह भी, तो जो हो सकेगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी, और उसके बाद लैब भी दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड, चलते हैं। और ये है आज के मेस का ब्रेकफास्ट, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में से स्टूडेंट चलाते हैं, कचौरी और छोला पूरी आई गेस, पता नहीं क्या। एंड अभी मैं, ये है मेन रास्ता मेरी कैंप लैब का, तो ये जो है ये CDRI कैंपस है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से ऑडिटोरियम है आप देख सकते हैं, और ये है लैब जो नई बनी है, इसका जो पुराना एक्सटेंशन है वो दूसरी जगह है, ये नया एक्सटेंशन है, जानकीपुरम एक्सटेंशन नाम है इसका, सीतापुर रोड पे पड़ता है ये, लखनऊ के ना आउटस्कर्ट्स में, ये ऑडिटोरियम देख सकते हैं लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में, तो यहाँ ज़्यादा कुछ मार्केट वगैरह है नहीं, हो भी सकता है मेरे को नहीं पता, मैं अभी गई नहीं हूँ, तो ये बहुत दूर पड़ता है मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जब मैं पहले आई ना, तो ये मेरा थर्ड डे का व्लॉग है, तो मैं पहले आई ना मुझे बहुत दूर लगता था, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस कम लगता है, मैं आपको ले चलती हूँ ये पीछे के रास्ते से, यहाँ से असल में मेन एंट्री वहाँ से, यहाँ से आप देख सकते हैं मेन एंट्री है, तो मैं आपको पीछे के रास्ते से चलती हूँ, यहाँ ये देखिए वहाँ एक्सट्रीम एंड पे मेरी लैब है, वहाँ से जाना है, हाँ एक्सट्रीम मतलब इस के एंड पे मेरी लैब है, वो पूरा जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ से लिफ्ट है, लिफ्ट में नहीं चढ़ूँगी मैं, यहाँ से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रूम बड़ा है, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सब अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो एक स्टूडेंट को चाहिए, रिसर्चर को चाहिए। तो ये है मैं वो, मेरी लैब 108 है, मेरी लैब का नंबर आप देख सकते हैं, तो मैं जाऊँगी लैब और आपको दिखाऊँगी लैब कैसी दिखती है, सो दिस इज़ इट, यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ये है लैब और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से है हमारा एक और रूम, यहाँ पे वो फ्यूम हुड्स लगे हैं, तो सब अपना अपना काम यहीं करते हैं, कॉल वगैरह चलाते हैं फ्यूम हुड में, और यहाँ रिएक्शन भी इसी यहीं होती है, क्योंकि फ्यूम्स उड़ते हैं, तो ये हीट गन है, तो बहुत कॉशियसली करना पड़ता है। सो अभी हमें जाना है अंदर, लंच करेंगे थोड़ी देर में, तो ये है कैफेटेरिया, मैं दिन को मेस नहीं जाती हूँ हॉस्टल के, क्योंकि दूर पड़ता है, तो मैं कैफेटेरिया में लंच करती हूँ, ये है कैफेटेरिया का लंच। तो मैं वापस आई और मुझे कॉलम चलाना है, इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, तो मैंने लगाया है, ये है निर्मल जो कि PhD का स्कॉलर है, यहाँ से मेरी वर्क प्लेस है आप देख सकते हैं, ये लैब है, ज़्यादा बोल नहीं सकते यहाँ पर, और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, और ये है मेरा कॉलम जो कि कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कंपाउंड जिसके लिए मैं आई हूँ बेसिकली, अब मेरा काम फाइनली स्टार्ट हो गया, कुछ एक हफ़्ता नहीं हो रहा था, तो अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप सब आते आते शाम हो चुकी है, और ये कुछ मिला मेरे डिनर में, चाट और ये चावल वगैरह, तो मैं करती हूँ डिनर और फिर चलते हैं फिर से अपने रूम में। फाइनली मैं रूम में
मैं पहुंच चुकी हूँ वापस और मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड। दिखाती जाऊंगी आपको अगर टाइम मिला, नहीं मिला तो वो भी दिखाती जाऊंगी कि मैं ज्यादा व्लॉग अपलोड नहीं करती। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।